तो आज देखने वाले हैं कक्षा 8वीं, विषय है विज्ञान अभ्यास पुस्तिका है जो कि 8 ग्रेड की जो मिलती है स्कूलों में, जिसके अध्याय नंबर 2 का पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। अध्याय नंबर 2 में दिया है आपको यहाँ पे सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु, इस वाले चैप्टर के पूरे क्वेश्चन आंसर अपन देखने वाले हैं। तो अपन एक एक करके अपन सब क्वेश्चन अपन हल करने वाले हैं। तो देखिए आगे क्या होते हैं यहाँ पे। अगले क्वेश्चन इसमें दिया है, इसमें क्वेश्चन यहाँ पे दिया है तुम्हारे, इसमें टेबल भरना था यहाँ पे। बच्चों अपने घर में निम्नलिखित घटना देखी होंगी, जो कि आपको यहाँ पे बताने, यहाँ पे आपने घटनाएं देखी होंगी उसके बारे में यहाँ पे पहले नंबर पे दिया है। ब्रेड रोटी पर फफूंद यहाँ पे जमता है कि नहीं जमता है, इसके बारे में देखना है यहाँ पे। हाँ नहीं तो हाँ, तो हाँ तो कैसा रंग का होता है इसके बारे में बताना है, तो हाँ तो सफ़ेद काले धब्बे रंग का होता है, इस तरीके से आपको यहाँ पे भरना था। अगला इसमें दिया है जूते पर फफूंद, जूते पर फफूंद हाँ जमता है, तो यहाँ पे हाँ लिखना था। यहाँ पे कौन से कलर का होता है, तो सफ़ेद कलर का, इस तरीके से आपको यहाँ पे। तीसरे नंबर पर दिया है जहाँ हमेशा गीला रहता है वहाँ काई जम जाती है, आप देखा होगा बरसात के टाइम पर, तो हाँ। और कौन से कलर का होता है, हरा कलर का होता है। अगला चौथा बॉक्स में दिया है इसमें गर्मी में खाना खराब होना, इसमें हाँ क्योंकि कैसा हो जाता है, यहाँ पे सफ़ेद कलर का हो जाता है, इस तरीके से आपको यहाँ पे भरना था। यहाँ पे नीचे वाले बॉक्स में दिया है यहाँ पे ये क्या है, ये सभी क्या है, इसमें सूक्ष्म जीव है, किसके कारण हो रहा है यहाँ पे, सूक्ष्म जीवों के कारण। अपने विचारों को लिखना है यहाँ पे, तो इन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते, इनको आप आंखों से नहीं देख सकते, अपने विचारों को लिखना था यहाँ पे। इसी के जस्ट नीचे में दिया है यहाँ पे निम्न में से बॉक्स में लिखो, निम्न में से बॉक्स में लिखो, तो यहाँ पे जो निम्नलिखित में से यहाँ पे दिए है इसके पूरे पहले के नाम यहाँ पे, तो क्या क्या है इसके बारे में यहाँ पे लिखना है, तो निम्नलिखित बॉक्स में लिखो। तो सूक्ष्म जीव के बारे में लिखना है, तो सूक्ष्म जीव कौन कौन से होते हैं, जीवाणु होते हैं, कवक होते हैं, प्रोटोजावा होते हैं और शैवाल होते हैं, इस तरीके से चार प्रकार होते हैं इसमें सूक्ष्म जीव के, तो इसको चारों यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ से भरना था। जो बाकी के जो बच जाएंगे उसको यहाँ पे नीचे वाले बॉक्स में आपको भरना है। यहाँ पे लिखा भी है बॉक्स में लिखिए, लिखने के पश्चात जो शब्द शेष रह गए हैं उन्हें यहाँ पर लिखिए, तो यहाँ पर लिखना के वाले खाली स्थान में भरना है, डिब्बे में भरना है। इसमें पैरामीशियम बच गया था अपना, ईस्ट बच गया था और स्ट्रेप्टोमाइसिन बच गया था, तो इस तरीके से आप यहाँ पे खाली रह जाएंगे, आप इसके लिए नाम ही नहीं है, तो यहाँ पे खाली छोड़ सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पर लिखना था। और इनके बारे में अपने विचार यहाँ पर लिखना है, इनके बारे में आपके विचार लिखना है, तो ये सभी क्या है, विषाणु है, वायरस है, इसलिए। और ये बाकी के चारों क्या है, सूक्ष्म जीव, इसलिए यहाँ पे अपने यहाँ पे सूक्ष्म जीवों के बारे में यहाँ पे लिखा, इनके नाम लिखा। और ये क्या है, सभी जो बच गए ये क्या है, विषाणु यानी कि वायरस है, इस तरीके से आपको इस बॉक्स में भरना था। चलो अगला वाला प्रश्न देखते हैं, अगले पेज वाले में अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न क्रमांक 1 दिया है यहाँ पे, सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाइए, तो आपको सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाना है जो कि सही होगा उसके बाद। तो सबसे पहला प्रश्न दिया है यहाँ पे, आपने आपने अपनी मम्मी को गर्म गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा होगा, जिससे दूध का दही में परिवर्तन हो जाता है, इसका कारण क्या है, यानी कि इसका कारण आपको बताना है, इसमें सेलेक्ट करना है आपको। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है तुमको सूक्ष्म जीवों का शोषण, सूक्ष्म जीवों में जनन, और सी नंबर का दिया सूक्ष्म जीवों में पाचन, और डी नंबर पर दिया है तुम्हारा सूक्ष्म जीवों में परिवहन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सूक्ष्म जीवों में जनन, यानी कि वो जो जीव को उत्पन्न करते हैं, इसी कारण से क्या होते हैं, दूध का दही में परिवर्तित हो जाता है, इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा तुम्हारा बी नंबर का। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, सेकंड नंबर का दिया है, भुजों को डॉक्टर ने खून की जांच कर मलेरिया से ग्रसित बताया, जिसका कारण है, तो इसमें कारण बताना कि मलेरिया किसके कारण होता है, तो यहाँ पे सी नंबर का सही हो जाएगा इसमें ऑप्शन, मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा इस वाले रोग का निर्माण होता है, फैलता है मलेरिया, इसलिए खून के माध्यम से फैलता है काटने से। अगला है इसमें और तीसरा नंबर का है, निम्न में से कौन सा रोग सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में नहीं होता है, सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में नहीं होता है, तो पौधों का सूखना ही राइट आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक इसमें चौथा दिया है इसमें, तो चौथा में दिया इसमें, आपने बाजार से ब्रेड लाकर उसे खुले तथा नम स्थान, नम माने कि नमी वाले स्थान पर, जैसे बरसात के टाइम पर नमी आ जाती है ऑटोमेटिक इसमें, तो नम स्थान पर रख दी, तो कुछ समय बाद उस पर काली संरचनाएं दिखने लगेंगी, इसका कारण बताइए, यानी कि कारण इसमें से आपको सेलेक्ट करना है इसमें से चार ऑप्शन में से, तो क्या कारण है इसका, कवक का कारण है, इसमें कवक के कारण क्या हो जाती है, काली संरचनाएं दिखने लग जाती है। अगला दिया है प्रश्न क्रमांक 5वां दिया है, नाइट्रोजन चक्र के दौरान वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा, तो यहाँ पे क्या लिखना है, इसमें ऑप्शन में लिखना है, घट जाती है, बढ़ जाती है, स्थिर रहती है, कभी कम तो कभी बढ़ जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थिर रहती है, इस तरीके से इसके 5 के आंसर होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 2 दिया है इसमें, नीचे दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो नीचे में ये दिया आया था परोस के तुम लोगों को, इसमें से आपको सेलेक्ट करके यहाँ पे खाली स्थान को भरना है। तो इसमें पहला प्रश्न में दिया है यहाँ पे, थैलियों में आने वाला दूध संशोषित नहीं होता क्योंकि यह दूध खालिस्तान होता है, तो खालिस्तान में क्या लिखना था यहाँ पे, पास चूरीकृत होता है, इसका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे इस तरीके से। अगला इसी में दिया इस दूसरा नंबर में, सूक्ष्म जीवों से प्राप्त औषधि जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है खालिस्तान कहलाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है तुम्हारा प्रतिजैविक कहलाती है। तीसरा नंबर का दिया है इसमें, प्राकृतिक सकरा के एल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया खालिस्तान कहलाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है किण्वन कहलाती है। अगला प्रश्न दिया इसी में, चौथा नंबर का दिया है इसमें, डेंगू के वायरस का वाहक खालिस्तान मच्छर है, तो मादा एडिस मच्छर है, जो कि मादा एडिस मच्छर, और एक बात और याद रखना है कि इसमें मच्छर मादा ही काटती है, नर नहीं काटती है, इस तरीके से आपके यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे 5वां नंबर का दिया है यहाँ पे, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा
कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं तो क्या कहलाते हैं, संचारणी रोग कहलाते हैं। इस तरीके से आपके पूरे खालिस्तान कंप्लीट होते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरा है जिसमें अति लघु उत्तरी प्रश्न है। इसमें प्रश्न क्रमांक तीसरा में आपको यहाँ पे थ्योरी लिखना था, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन खत्म हो गए। प्रश्न क्रमांक तीसरा दिया इसमें, हमें छींकते अथवा खांसते समय अपने मुंह एवं नाक पर रुमाल क्यों रखना चाहिए। जिसका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे, हमें छींकते अथवा खांसते समय अपने मुंह एवं नाक पर रुमाल रखना चाहिए क्योंकि इससे संचरणी रोग नहीं फैलते हैं, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरणी रोग नहीं फैलते हैं। इस तरीके से आपके यहाँ पे आंसर होता। अगला प्रश्न दिया है तुम लोगों को यहाँ पे, चौथा नंबर का दिया है, भूजो का जन्मदिन 12 मई को था जिस अवसर पर माँ ने छोले भटूरे बनाए जिसे वे रात में फ्रिज में रखना भूल गई। भूजो ने उसे दूसरे दिन दोबारा खा लिया जिससे भूजो को उल्टी होने लगी। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने बताया कि यह खाद्य विषाक्तन के कारण है, बताइए भोजन विषाक्तन कैसे हो गया। जिसका कारण बताना है कि उसने क्या कारण हुआ कि इसमें भूल हो गई जिसके कारण उसको उल्टी होने लगी। तो इसका राइट आंसर हो जाता है, सूक्ष्म जीवों द्वारा संसूचित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो गया। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं जिस कारण से उसको क्या होने लगे, खाने के कारण उल्टी हो गई। यही कारण था इसमें उसको उल्टी हुई। अगला प्रश्न देखते हैं अपन, प्रश्न क्रमांक पाँचवा दिया है इसमें, निम्नलिखित रोगों में से जीवाणु बैक्टीरिया तथा विषाणु वायरस द्वारा होने वाले रोगों को छाटिए। इसमें से आपको यहाँ पे नाम दिए हैं इनके, इसमें से आपको जीवाणु और विषाणु के नाम छाटकर अलग अलग बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे विषाणु वाले जो नाम होंगे, विषाणु वाले के बैक्टीरिया, हैजा, टाइफाइड और क्षय रोग हो जाएंगे, और विषाणु वाले जिसमें वायरस वाले उसमें रोग होंगे हेपेटाइटिस ए और पोलियो और खसरा। इस तरीके से आपके यहाँ पे अलग अलग छाट के यहाँ पे बताना था। प्रश्न क्रमांक छठवां देखते हैं, प्रश्न क्रमांक छठवां में आपको यहाँ पे एक चित्र दिया है अमीबा की, जिसमें से आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके बताना है यहाँ पे कि कौन सा चित्र दिया है। यहाँ पे चित्र को देख देखकर आपको यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे आंसर करना है। तो प्रश्न इसमें दिया है, प्रश्न अलग अलग तीन दिया है इसमें। पहला दिया है तुमको, चित्र में दिए गए सूक्ष्म जीव का नाम क्या है या नाम जीव का क्या नाम है, तो यहाँ पे अमीबा क्या है, अमीबा है। और दूसरा क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, या सूक्ष्म जीव किस वर्ग में आता है, तो किस वर्ग में आता है, तो ये आता है प्रोटोजोआ में आता है। इसका राइट आंसर हो जाता है प्रोटोजोआ। तो अगला देखते हैं इसमें, तीसरा नंबर प्रश्न दिया है इसमें, इस वर्ग द्वारा होने वाले किसी रोग का नाम लिखिए। तो इस वर्ग द्वारा होने वाले रोग का नाम है मलेरिया, पेचिस और टाइफाइड। इस तरीके से इस वाले वर्ग के रोग है। तो इस तरीके से आपके छठवां क्वेश्चन के तीनों क्वेश्चन के आंसर होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक सातवां है, इसमें भी आपको यहाँ पे थ्योरी लिखना है। सातवां में दिया है इसमें, पशु पास चूक रिकृत दूध को बिना उबाले ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अपशु चूक रिकृत दूध को इस्तेमाल करने के लिए उबालना आवश्यक है क्यों। इसका कारण बताना है कि यहाँ पे पशु के दूध को उबालना बिना उबाले इस्तेमाल कर सकते हैं अपन और पी सकते हैं, लेकिन आप पशु के दूध को इस्तेमाल करने के लिए उसको उबालना आवश्यक क्यों है। तो इसका कारण है सिंपल सी है इसमें कि आप पशु के दूध को इस्तेमाल के लिए उबालना आवश्यक है क्योंकि इसमें सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जबकि पशु के दूध में क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव नहीं पाए जाते। इस तरीके से आपको यहाँ पे आंसर लिखना था प्रश्न क्रमांक सातवां का। अब आ जाती है इसमें लघु उत्तरी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक आठवां दिया आपको यहाँ पे, यहाँ पे भूजो अपने बीमार मित्र को देखने उसके घर गया। उसने देखा कि उसके घर के बाहर गड्ढों में पानी भरा हुआ है, उसके घर के कूलर में भी पानी भरा हुआ है, उसमें मच्छर पनप रहे हैं, बताइए यानी कि इसका कारण बताने। इसमें आपको तीन क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पे, तीन से लेकर चार भी हो सकते हैं यहाँ पे नीचे में। यहाँ पे पहला प्रश्न दिया है, हाँ तीन ही दिया है इसमें। तो पहला प्रश्न का आंसर होता है यहाँ पे आपको कारण बताना है, गड्ढों में पानी भरा हुआ है, अपने मित्र को देखने के लिए गए घर पे उसके घर, तो इसने देखा कि बाहर पानी भरा हुआ है तो कूलर में मच्छर बने पड़े, तो बताइए इसमें कारण बताना। तो पहला नंबर का दिया क्वेश्चन, भूजो का मित्र कौन कौन सी बीमारी से ग्रसित हो सकता है, कारण संभावना है कि उसमें कौन कौन सी बीमारी हो सकती है उसके मित्र को। तो भूजो का मित्र निम्नलिखित बीमारी से ग्रसित हो सकता है, तो पहला है डेंगू नामक बीमारी अथवा मलेरिया से ग्रसित हो सकता है। इस तरीके से इसका आंसर लिखना है। अगला इसमें है प्रश्न क्रमांक दूसरा है, उसके बीमार होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है, उसके बीमार होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है। तो इसमें उसके बीमार होने का मुख्य कारण मादा एनाफिलीज एवं मादा एडिस मच्छर हो सकता है, क्योंकि मादा मच्छर ही क्या होते हैं, काटते हैं, और जिसके कारण मलेरिया वगैरह हो सकता है, इसमें डेंगू नामक बीमारी हो सकती है, इसलिए उसके बीमार होने का मुख्य कारण है कि मादा मच्छर काट सकते हैं। अगला है क्योंकि मच्छर ही पनप रहे हैं वो गड्ढों में। अगला इसमें प्रश्न तीसरा दिया है आपको इसी में, तीसरा नंबर का, इस बीमारी से बचने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए, तो यानी कि यदि बीमार हो जाते तो उसके बचने के लिए कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। तो इस बीमारी से बचने के लिए मच्छरदानियों का उपयोग और मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग, मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को एकत्र ना रहने दे, इस तरीके से अलग अलग अपन उपयोग कर सकते हैं ताकि उस बीमारी से बचा जा सकता है। मच्छरदानी को उपयोग कर सकते हैं, मच्छर भगाने वाले रसायन जो केमिकल पदार्थ आते हैं उनको उपयोग कर सकते हैं, मच्छर के प्रजनन को रोकने के लिए जल को एकत्र ना होने दे क्योंकि दूसरे वाले और मच्छर पनपने लग जाएंगे और एक यानी कि प्रजनन और दूसरे मच्छर को जन्म ना दे, इस तरीके से पानी को एकत्रित ना होने दे या ना रहने दे, इस तरीके से उसका उपयोग कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक है नौवा, प्रश्न क्रमांक नौवा में दिया है इसमें, पहली ने एक बर्तन में मैदा, थोड़ी सी चीनी, एक चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाकर गर्म जल में गूंथ लिया। इस गूंथे हुए आटे को उससे
रख दिया, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको यहाँ पे आपको निम्न प्रश्न का उत्तर देना है। तो पहले ने मैदा को सब कुछ ले लिया है, एक बर्तन में गूंथ लिया है। तो पहली दो घंटे पश्चात उसमें क्या परिवर्तन देखेंगे? तो दो घंटे पश्चात आटा फूल गया था। तो दो घंटे पश्चात आटा क्या हो गया था? फूल गया था, इसका राइट आंसर हो गया था। दूसरा प्रश्न दिया है, पहली ने गूंथे हुए आटे में जो परिवर्तन देखा वह किस कारण से हुआ? तो यहाँ पे पहली ने गूंथे हुए आटे में जो परिवर्तन देखा वह किस कारण हुआ? जिसमें गूंथे हुए आटे में जो परिवर्तन देखा वह इष्ट के कारण हुआ होगा, क्योंकि इष्ट क्या होता है? कीड़े खाद्य पदार्थ को फुला देता है। तो यही कारण यहाँ पे इष्ट के कारण यह हुआ होगा। अगला इसी में देखते हैं अपन प्रश्न नवा का तीसरा प्रश्न है, जिसमें तीसरा प्रश्न है, इस प्रक्रिया का उपयोग किन खाद्य सामग्रियों को बनाने में किया जाता है? तो इस वाले जो प्रक्रिया का जो उपयोग करते हैं कौन से खाद्य सामग्रियों को बनाने में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है इसमें, इस प्रक्रिया का उपयोग ब्रेड जो कि फुला रहता है, केक और आदि खाद्य सामग्रियों को बनाने में किया जाता है। जो कि अपन यहाँ पे ब्रेड भी क्या फुली रहती है, केक भी फुली हुई रहती है, तो इसके का उपयोग करके इन सामग्रियों को बनाने में किया जाता है। इस तरीके से आपको यहाँ पे आंसर लिखना था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 10वां है, हमें भोजन को सदैव ढककर रखना चाहिए, उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। तो हमें भोजन को सदैव ढककर रखना चाहिए, इसका कारण लिखना आपको यहाँ पे, बिना ढके भोजन में रोगाणु और हानिकारक पदार्थ हो सकते हैं, हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं, यही कारण है कि उसको अपन ढककर रखना चाहिए, किसको? खाना को, भोजन को। अगला प्रश्न दिया है आपको यहाँ पे, प्रश्न क्रमांक है 11, प्रश्न क्रमांक 11 में, पहली ने कुछ आम खरीदे परंतु कई दिनों तक वह उन्हें नहीं खा पाई, बाद में उसने देखा कि वे सड़ गए हैं, परंतु वह जानती है कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफ़ी समय तक संशोषित नहीं होता है, बताइए। इसमें बताना भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिए, संशोषित का मतलब खराब नहीं होता है, काफ़ी अचार काफ़ी टाइम तक खराब नहीं होता, लेकिन पके हुए आम क्या हो जाते हैं? कुछ दिनों में खराब हो जाते हैं, इसका कारण आपको बताने यहाँ पे प्रश्न दिए आपको। तो प्रश्न पहला दिया इसमें, आम का अचार काफ़ी समय तक संशोषित क्यों नहीं होता, यानी कि खराब क्यों नहीं होता? इसका कारण है, अचार में नमक एवं तेल के उपयोग से आम का अचार काफ़ी समय तक संशोषित नहीं होता है, यही कारण है कि नमक और तेल का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण अचार काफ़ी समय तक खराब नहीं होता है। अगला प्रश्न इसी में दिया है, दूसरा नंबर में दिया है, दूसरा और तीसरा भी दिया इसमें, जिसमें दूसरा देखते हैं। सबसे पहले, आपके घरों में दादी मम्मी द्वारा किन किन खाद्य सामग्रियों को सूक्ष्म जीवों से बचाकर रखा जाता है? तो आपको बताने यहाँ पे, आपने देखा होगा घरों पे अक्सर, तो हमारे घर में आम का अचार, आंवला का अचार, पापड़ आदि खाद्य सामग्रियों को सूक्ष्म जीवों से बचाकर रखा जाता है। पापड़ को भी व्यवस्थित रखा जाता है ताकि बाहर की नमी उनमें ना पड़े, इस तरीके से पन्नी में पैक करके रखा जाता है। इसलिए अचार वचार जो बनाते हैं इसको भी उसमें और प्लास्टिक के डिब्बों में रखा जाता है ताकि बाहर की वायु और नमी उस पर ना जाए, नहीं तो फफूंद वगैरह उत्पन्न हो सकते हैं। इस तरीके से उसको सुरक्षित रखा जाता है या बचाकर रखा जाता है। तीसरा नंबर प्रश्न दिया है, चीनी के उपयोग द्वारा किन किन खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है? तो यहाँ पे चीनी के उपयोग, चीनी का मतलब यहाँ पे शक्कर द्वारा, तो यहाँ पे चीनी के उपयोग द्वारा जैम, जेली, स्क्वेश खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। इस तरीके से आपको यहाँ पे इस तीसरे क्वेश्चन का आंसर लिखना था। अगला देखते हैं, प्रश्न क्रमांक है 12, 12वां में दिया आपको यहाँ पे, दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। इस तरीके से आपके यहाँ पे 12वां क्वेश्चन का आंसर होता। अगला प्रश्न दिया है इसमें आपको, 13वां प्रश्न दिया है यहाँ पे, 13वां प्रश्न में आपको कुछ नहीं करना है, आपके बुक में नाइट्रोजन चक्र को आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो नाइट्रोजन चक्र का आपको यहाँ पे डायग्राम बनाना था, यहाँ पे आपके बुक में बाकायदा दिया है, नहीं दिया होगा तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसी को आपको यहाँ पे नोट करना था। इस तरीके से आप यहाँ पे पूरा फिल कर सकते हैं। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पे, प्रश्न क्रमांक 14 दिया है यहाँ पे, प्रश्न क्रमांक 14 में, मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग, उनके रोगजनक सूक्ष्म जीव तथा रोग से बचाव के उपायों को तालिकाबद्ध कीजिए। यानी कि इसमें मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग और रोगजनक सूक्ष्म जीव तथा रोग से बचाव के उपायों को तालिकाबद्ध कीजिए। आपके इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर आपके बुक में दिया है बाकायदा, नहीं दिया होगा तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, इस वाले टेबल से पूरा बनाकर आपको लिख देना है इसमें पूरा पूरा। यहाँ पे समय का नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा के आपको बता दिया हूँ, तो आप यहाँ से देखकर आप लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक दिया है, अगला वाला देखते हैं, वीडियो को रोककर आप यहाँ पे लिख सकते हैं पूरे पूरे। अगला दिया है प्रश्न क्रमांक 15 दिया है, 15वां में दिया है इसमें, सूक्ष्म जीव हमारे लिए अभिशाप होते हुए भी वरदान है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। क्योंकि सूक्ष्म जीव हमारे लिए क्या है, हानिकारक होते हैं और वरदान भी साबित होते हैं, इस कारण को अपन को कथन के माध्यम से स्पष्ट करके बताना था। तो इसमें आपको यहाँ पे लिखना है कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए अभिशाप होते हुए भी वरदान है, क्योंकि सूक्ष्म जीव जंतुओं तथा पादप आने की इसमें पेड़ पौधे में विभिन्न प्रकार से रोग उत्पन्न करते हैं, किंतु सूक्ष्म जीवों से विभिन्न प्रकार के उत्पाद जैसे दवाइयाँ, एल्कोहल, सिरका, बेकरी आदि कई महत्वपूर्ण उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं जो हमारे लिए वरदान से कम नहीं है। इस तरीके से आपको शॉर्ट में यहाँ पे आंसर बताना था कि किस तरीके से हमारे लिए अभिशाप होते हुए भी वरदान साबित होते हैं। इसी के साथ अगला वाला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे प्रोजेक्टकारी, प्रोजेक्ट नंबर 1 है। टोटल आपके कितने प्रश्न हैं यहाँ पे, 15 प्रश्न है, 15 प्रश्नों के आपके लिए आंसर लिख लिया होगा, वीडियो को रोक रोक कर आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रोजेक्ट इसमें देखते हैं, प्रोजेक्ट नंबर 1 है, प्रोजेक्ट नंबर 2 भी है, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे प्रोजेक्ट नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पे दो गमले लेकर
प्रत्येक को मिट्टी से आधा भर दीजिए और ए बी चिन्हित कीजिए। ए गमले में पौधे का कचरा तथा जंतु अवशिष्ट भर दीजिए और बी पॉलीथीन की थैली कांच की खाली बोतलें तथा प्लास्टिक के टूटे खिलौने भर दीजिए। 3 से 4 सप्ताह बाद इनका परीक्षण कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें दोनों इसमें जो गमले हैं उसमें अलग अलग तरीके से अवशिष्ट पदार्थ वगैरह भरे हैं, कुछ में यहाँ पे पॉलीथीन वगैरह के कचरा भरा हुआ है। तो आप दोनों में क्या क्या परिवर्तन होंगे इसमें प्रश्न दिया, इसके आंसर आपको यहाँ पे देना है। तो प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3, 4, और 5 पांच प्रश्न है, पांचों के प्रश्न के आपको आंसर यहाँ पे लिखना है। तो कैसे लिखना है देखो, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 है, क्या आपको दोनों गमलों की वस्तुओं में अंतर दिखाई देता है? तो हाँ, दोनों वस्तुओं गमलों की वस्तुओं में अंतर दिखाई, गमले ए एवं गमले बी की वस्तुओं में अंतर दिखाई देगा। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पे, दोनों गमलों में से किस गमले की सामग्री का अपघटन हो गया है? तो यहाँ पे गमले ए की सामग्री का अपघटन हो गया क्योंकि वहाँ पे क्या है, अवशिष्ट पदार्थों का वहाँ पे भरा हुआ है, बाकी में अवशिष्ट पदार्थ यानी कि दूसरे में कांच और पॉलीथिन अवशिष्ट अपघटन नहीं कर पाता, इसी कारण से यहाँ पे गमले ए में क्या हो जाता है, अपघटन होगा। और अगला प्रश्न क्रमांक 3 में दिया है, इसमें सामग्री के अपघटन का क्या कारण है? तो सामग्री के अपघटन का कारण बताना है आपको यहाँ पे, अपघटन एक प्रकार की क्या है, क्रिया है जिसमें तत्व अलग अलग सूक्ष्म भागों में क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। यही कारण है कि अपघटन के कारण क्या हो जाते हैं, आपने रासायनिक समीकरण वगैरह में इसमें पढ़ना होता है कि इसमें क्या है, क्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया में भी होता है इस तरीके से अपघटन अभिक्रिया, आप आगे वाली क्लास में पढ़ने वाले 9वीं और 10वीं क्लास में इस तरीके से आपके यहाँ पे क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, अपघटन की क्रिया। अगला इसमें प्रश्न दिया इसमें 4 नंबर का, जिस गमले की सामग्री का अपघटन नहीं हुआ उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो इसमें आपको कारण लिखना है कि अपघटन नहीं हुआ उसका कारण है कि वस्तु या तत्व अलग अलग सूक्ष्म भागों में विभाजित नहीं हुए, वस्तुएं सड़ी गली नहीं है, यही कारण है कि अपघटन नहीं हुआ, जो कि वस्तु भागों में विभाजित होना चाहिए जब तक उसका अपघटन होता है, एक क्रिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 5 इसी में, प्रोजेक्ट 1 का प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 5 है, जिस गमले की सामग्री का अपघटन हो गया उसके क्या उपयोग है? तो जिस गमले में सामग्री का अपघटन हो गया है तो उसका क्या उपयोग करेंगे? इस तरीके से आपके यहाँ पे आंसर लिखना है कि अपघटन की क्रिया से मृदा यानी कि मिट्टी में ह्यूमिफिकेशन ह्यूमस का निर्माण यानी कि ह्यूमिफिकेशन यानी कि ह्यूमस का निर्माण तथा खनिजीकरण होता है एवं भूमि की उर्वरक शक्ति बढ़ती है, यानी कि उसमें पोला बनाता है और उर्वरक शक्ति क्या होती है, बढ़ती है। इस तरीके से आपके यहाँ पे आंसर लिखना था। अगला देखते हैं, अगला प्रोजेक्ट होगा इसमें आपका प्रोजेक्ट नंबर दो में आपको पहला नंबर का यहाँ पे आ नंबर का 12 नंबर का भी प्रश्न दिया होगा। इसमें पहले आ नंबर का देखते हैं, आप अपने दैनिक जीवन में जिन जिन डिब्बा बंद या पैकेट बंद भोज्य पदार्थों को उपयोग करते हैं उन सामग्रियों के पैकेट्स का सूक्ष्म अवलोकन कर निम्न तालिका को पूर्ण करिए। तो आपको यहाँ पे दैनिक जीवन में जो आपने उपयोग किया इस तरीके से यहाँ पे इसके पूरे यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे मैगी यानी कि इसका पैकेट का निर्माण दिनांक लिखना, पैकेटों में निर्माण का दिनांक लिखा रहता है। खाद्य पदार्थों के बारे में लिखना आपको, पैकेट समाप्ति का दिनांक इसमें दिख रहा है, यहाँ पे अपने मन से भी लिख सकते हैं लेकिन वहाँ पे अंतर होना चाहिए। तो भोज्य पदार्थ में उपयोगी यानी कि कौन कौन से संगठनों के नाम लिखना है, तो कार्बोहाइड्रेट मिलता है इसमें मैगी में और भोज्य पदार्थ में उपयोगी का नाम, तो कौन सा यहाँ पे उपयोगी का नाम लिखना है, यहाँ पे नाइट्रोजन, इस तरीके से आपको लिखना था। इस तरीके से स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे वीडियो को रोककर यहाँ पे सभी के नाम लिख देना है क्योंकि लंबी वीडियो हो रही है। अगला इसमें प्रश्न दिया है आपको, प्रश्न क्रमांक दिया है इसमें 12 नंबर का, इसमें 12 में आपको लिखना था, इसमें पहला नंबर का दिया है, इसमें अपनी मम्मी दादी से पूछकर पता लगाइए कि वे घर में किन किन भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक संग्रहित करते हैं यानी कि उसको सुरक्षित रखती है। तो भोज्य पदार्थ है जो कि खाने योग्य, चावल और दाल, इस तरीके से आपको यहाँ पे चावल को भी सुरक्षित रखा जाता है, नमी से बचाया जाता है ताकि उसमें घुन वुन ना, नहीं तो जीवाणु ना लगे, इस तरीके से चावल और दाल में भी फफूंद वगैरह जम जाते हैं। अगला इसमें है 2 नंबर, इन भोज्य पदार्थों यहाँ पे पदार्थों लिखा यहाँ पे मिसप्रिंट है, पदार्थों को संग्रहित करने के लिए वे कौन कौन से तरीके अपनाती है, लिखिए उसके कौन कौन से तरीके अपनाते हैं उसको लिखना है। सूखे नमी रहित डिब्बों में बंद करना और दूसरा है धूप में सुखाना, इस तरीके से आप यहाँ पे आंसर हो जाते हैं। अगला इसी में 3रा प्रश्न है, इसमें भोज्य सामग्री के अलावा भी घर में कोई ऐसी वस्तु भी है जिनको सुरक्षित रखने के लिए कोई उपाय किए जाते हैं, यदि हो तो सूचीबद्ध कीजिए। तो इसमें आपको यहाँ पे अपने मन से लिख देना है, जो कि आपने देखा होगा घरों पे, दाल बड़ी जो कि सुरक्षित रखा जाता है, 2 नंबर पापड़ इसको भी सुरक्षित रखा जाता है, बस चिप्स है इनको भी सुरक्षित रखा जाता है, और 4 नंबर का आलू और ये भी सड़ने लग जाते हैं इनको भी सुरक्षित रखा है, 5 नंबर का प्याज है इनको भी सुरक्षित रखा जाता है, 6वां नंबर का बेसन इसको भी सुरक्षित रखा जाता है, 7वां नंबर का दाल है इनको भी सुरक्षित रखा जाता है, इस तरीके से आपको यहाँ पे आंसर देना था। इसी के साथ आपको यहाँ पे पूरे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आया होगा किस तरीके से आपको यहाँ पे भरना इनके आंसर, इस तरीके से आप पूरा कंप्लीट कर सकते हैं अभ्यास पुस्तिका और इसको रिवाइज करके जरूर जाएंगे एग्जाम। इसी तरह के वीडियो आपको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि इसी तरीके से वीडियो जब भी अपलोड होते हैं तो आपको नोटिफिकेशन के रूप में आपको वीडियो दिख जाएंगे, और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।